हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो मैं बात करने वाला हूँ दोसन बियर्स बस एसएसजी लैंडर्स बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम लिए किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे खासे अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर ओवरक नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11। आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे टीम से काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे कमा पाएंगे। दोस्तों, इस मैच में हमने एक तरफा विन कर लिया है, मैंने स्क्रीन शॉट नहीं डाले हैं लेकिन दोस्तों डाल दूंगा, और ये मैच हमने एक तरफा विन कर लिया है। इससे पिछला मैच जो हमने जो टिटन का कवर किया था उसको भी हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया। इससे पिछला मैच जो हमने केबीओ लीग का बेसबॉल मैच कवर किया वो भी अल्ट्रा क्लीनशिप किया। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्लीनशिप चल रही है और क्लीनशिप के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब दोस्तों बात करेंगे टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन दोनों टीमों को हाईलाइट कर देता हूँ। दोस्तों, ये दोनों टीम रहने वाली है तो इस टीम से हम काफ़ी अच्छे से प्रयोग ढाक चलेंगे, जिससे हमारे जीतने के चांस भी हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोसन बियर्स के बारे में। तो इन्होंने 69 मैचों में विन, 64 मैचों में लॉस और 8 मैचों में ड्रा का सामना किया। और जो एसएसजी लैंडर्स है उन्होंने 65 मैचों में विन, 63 मैचों में लॉस और 14 यानी कि 14 मैचों में लॉस ड्रा का सामना किया। तो दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम सा ही परफॉर्मेंस है, यानी कि दोनों टीमें हैं वो दोस्तों ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। बाकी इस मैच में जो क्रेडिट इशू रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो इस मैच में आपको कम पैसा इन्वेस्ट करके चलना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ जो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ड्रीम टीम देने के बाद दोस्तों, ड्रीम टीम देने से पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी टीम टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम में कौन सा फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। जो इस वीडियो को एंड तक वॉच करेगा उसको उस मैच के बारे में काफ़ी अच्छे से विनिंग टीम प्लस काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो सबसे पहले ओ फिल्टर सेक्शन से हमारे पास चॉइस रही तो जी हवान को ओपन करेंगे। तो इनका जो परफॉर्मेंस है एज अ प्लेयर के लिए काफ़ी अच्छा खास है। बाकी दोस्तों, कैप्टनसी का रेट भी इनकी तरफ ज़्यादा रहेगा, तो मैं इनको टीम में कैप्टन ट्राई नहीं करूँगा और वर्स्ट कैप्टन ट्राई नहीं करूँगा। बाकी जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम होगी वहाँ पर दोस्तों शायद खप करके चल सकता हूँ कैप्टन या फिर वर्स्ट कैप्टन, क्योंकि जो फाइनल टीम होती है मैं आपको स्टैट के ऊपर देता हूँ, स्टैट निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर से स्टैंड का टीम को पिक करता हूँ। तो काफ़ी मेहनत करता हूँ और मेरी मेहनत के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब बनाता हूँ बनता ही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ जो आपका अपोनेंट होगा वो अपनी टीम को किस तरह पिक करेगा, या तो वो ये देखो कितने दोस्तों उसके कितने पॉइंट्स हैं, या वो देखो उसका कितना सेलेक्ट परसेंटेज है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको बस दोस्तों मैं टीम फॉरवर्ड करवा दूंगा, आप टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टीम आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जी हून के बारे में बात करेंगे। तो जी हून का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है और इनके पीछे जो मेजोरिटी रहती है मुझे लगता है दोस्तों आपके अपोनेंट के पास होने के काफ़ी कम चांसेस है। और मान लीजिए आज का मैच प्ले करेंगे और दोस्तों आपके अपोनेंट के पास ना हो तो ये मैच आप क्लीनशिप करने वाले हैं। दोस्तों 100% आप ये मैच क्लीनशिप करेंगे। दोस्तों, बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर चैंपियन के बारे में। तो चैंपियन का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों काफ़ी डाउन इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन दोस्तों सिर्फ क्रेडिट इश्यू के कारण ही मैंने इनको अपनी टीम के लिए पिक किया है। बाकी मेरी फाइनल टीम होगी उसमें कोई चेंज कर लूँगा और दोस्तों इनको अपनी टीम से हटाकर किसी न्यू प्लेयर को अपनी टीम के लिए पिक कर लूँगा। दोस्तों, शोंग हान के बारे में बात करूँगा। तो शोंग हान का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। दोस्तों, कैप्टन या फिर वो स्टोन ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये बेसबॉल है यहाँ पर दोस्तों कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है। होमरन तो भूल ही जाइए दोस्तों, होमरन लगाने के बहुत कम चांस रहेंगे और शोंग हान इतने बड़े प्लेयर भी नहीं है। तो एज अ प्लेयर आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं और एज अ प्लेयर आपके सबसे बड़ी चॉइस रहेगी। और दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सेफ ले चलना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है वो ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं देगा, तो शोंग हान को कैप्टन फिर वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फर्नांडिस के बारे में बात करेंगे। तो फर्नांडिस का जो परफॉर्मेंस था काफ़ी डाउन गया था दोस्तों, आप चेकआउट कीजिए, काफ़ी डाउन का परफॉर्मेंस गया था, लेकिन दोस्तों इनकी मेजोरिटी कभी टूटी ही नहीं। और ये दोस्तों आप देख लेना, कोई भी मैच इनका आप देख लेना, इनका परफॉर्म भी ठीक ठाक रहता है सिर्फ एज अ प्लेयर के लिए। आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई नहीं करना है, इन पॉइंट को देखकर शायद आप इन अपनी टीम में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, अगर आपके अपोनेंट ने
किसी यूट्यूबर की टीम को पिक किया है दोस्तों, किसी ने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया उसकी टीम को पिक किया, तो मैं ही नहीं कह सकता कि दोस्तों उसकी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। अगर दोस्तों उसने अपनी टीम को रैंडमली यानी कि उसने बिना किसी को टीम को देखे अपनी टीम को बनाया है, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि उसका कैप्टन कौन होगा, उसका वाइस कैप्टन कौन होगा, उसकी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे और आप कैसे विन कर जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए अगर किसी यूट्यूबर की टीम को पिक किया तो आपके जीतने 60% तक है, और किसी ने रैंडमली टीम को बनाया तो आपके जीतने 100% रहेंगे हमेशा मेरी टीम से, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। गाय बॉम के बारे में बात करें तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा सी चॉइस है, मेजोरिटी भी काफ़ी कम रहती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सी चॉइस भी है। सुखवान दोस्तों बहुत बड़ी चॉइस रहेगी, काफ़ी जब भी प्ले का मौका दिया जाता है काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस करते हैं, और सुखवान को आपको अपनी टीम में लेके चलना ही चलना है। मिरांडा के बारे में बात करें, पिछला मैच प्ले नहीं कर रहे थे, ये दोस्तों ये मैच प्ले करेंगे और मेरी टीम में एक कैप्टन रहेंगे। दोस्तों बिल्कुल कैप्टन ट्राई करूंगा, क्योंकि एक पिचर आपको इतने पॉइंट दे सकता है जितने कोई भी आपको पॉइंट नहीं दे सकता है। कैसर के बारे में बात करूंगा तो मैंने हुक को ट्राई किया है, और दोस्तों कैसर के बारे में बात करूं तो मैंने अपनी टीम के लिए हुक को ट्राई किया है। अगर प्ले करेंगे तो मैं हुक को ही अपनी टीम में एज अ कैचर लेके चलने वाला हूँ। वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करनी ही करनी है। टीम का प्रिव्यू कर लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में 3 आउटफील्डर 4 फील्डर 1 पिचर कैचर को ट्राई किया है। कैप्टन मैं आपको बता चुका हूँ कि कैप्टन मैं अपनी टीम में मिरांडा को लेकर चलने वाला हूँ अगर प्ले करते तो, और वॉइस कैप्टन में जी हवान को ट्राई किया। बाकी सुख हवान भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चॉइस है वॉइस कैप्टन के लिए। बाकी दोस्तों फाइनल टीम आपको मिल जाएगी, टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टीम के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टीम वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो उसको सेव कर देते हैं, तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको एक टिप देता हूँ, जो वीडियो को एंड तक वॉच किया, जिसने भी एंड तक वॉच किया उसको दोस्तों टिप मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए टिप रहेगी, कभी भी आपको मेजोरिटी के पीछे नहीं भागना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।